मंदिर। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल डिवाइन ड्यूटी एक्सप्लोरर। और आज डे 6 है। मैं खुशीमठ से पहले चमोली के बीच में मैं रुक गई थी। ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट चमोली पड़ता है और ये पड़ता है क्षेत्रपाल। और ये रिवर व्यू होटल रेस्टोरेंट है, इसमें खाने का भी रहता है, ऊपर रूम भी अवेलेबल है। और देखिए मैं सुबह उठी थी, देखिए मेरे पीछे का व्यू, ये मेरे रूम के सामने का व्यू है। इसके जस्ट पीछे आप देखेंगे तो पीछे रिवर बह रही है। और मैं आपको इधर ये भी है, देखिए पेड़ रूम का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। ये रूम है मेरा, ये वैसे मुझे 2200 का बोल रहे थे, कम कम करते करते मुझे 1500 का मिला। इसमें 1500 में बहुत छोटा रूम है, मेरा लगेज रखने की जगह नहीं थी। और ये मिरर है और ये वॉशरूम है, गीजर भी लगा हुआ है। और यहाँ बाहर का व्यू नहीं देख सकते आप, तो नया बना हुआ है, छोटा स्मॉल रूम है, मुझे ज़रूरत थी तो इसलिए मैंने ये लिया रूम। तो अब मैं जा रही हूँ जोशीमठ, जोशीमठ के बाद मैं बदलना चाहूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आपको बाहर से व्यू आप लेटे लेटे विंडो से अपने बाहर का नज़ारा का मज़ा ले सकते हैं, रेनिंग हो स्नोफॉल हो। स्मॉल रूम है, बस ये था वो है, नहीं तो बाकी तो सही, सब सही था इस रूम में। ये भिंडी मसाला है और मसालेदार दाल दाल तड़का है। ये पूरा खाना आज की 70 का पड़ा है मेरे को, 2 बटर रोटी। जहाँ मैं रुकी हुई हूँ वहीं पे नीचे रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट भी है नीचे, ऊपर नया बन रहा है। ये देखिए सब कुछ मिलता है आपको। आपको यहाँ मसाला डोसा सूप वगैरह सब मिल जाएगा। पोहा और मसाला चाय, 100 रुपीज़ का पोहा है और 30 रुपीज़ की चाय है। पोहा ठीक है, हल्का मसाला है और चाय ये भी ठीक है। मैं जोशीमठ जाने वाली थी तो रास्ते में इतना सुंदर वाटरफॉल है, मैं सोचा आपको दिखाऊं क्यों ना। तो ये मैंने देखी, आप यहाँ फोटो स्टेशन भी ले सकते हैं, इतना सुंदर वाटरफॉल। मैं आ गई हूँ जोशीमठ। जोशीमठ में मैं आई हूँ नरसिंह मंदिर के पास में। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ नरसिंह भगवान की मूर्ति है, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। और इन्होंने इनके एक हाथ की कलाई दिन पर दिन वो पतली होती जा रही है, हर साल उनकी हाथ की कलाई पतली होती जा रही है। और कहते हैं जिस दिन वो कलाई अपने हाथ से अपने आप गिर जाएगी तो वो उस दिन इस युग का आखिरी दिन होगा। तो ये पड़ता है जोशीमठ में। तो ये देखिए यहाँ का रास्ता, ये देखिए नीचे जाके मंदिर है, ये रास्ता है यहाँ से।
तो ये है विष्णु प्रयाग, आपको दो प्रयाग दिखा चुकी हूँ, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। यह है विष्णु प्रयाग, आप इसको नीचे से जा सकते हैं आराम से। दिस इज विष्णु प्रयाग, ये रास्ता गया है और बाय रोड गया है। ये देखिए मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, माड़ा गांव 36 किलोमीटर है, बद्रीनाथ 32 किलोमीटर और गोविंद घाट 7 किलोमीटर है। ये देखिए इधर से, ये देखिए पड़ा हुआ है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये विष्णु प्रयाग से पास में है, कोली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। ये है नदी, ये है विष्णु प्रयाग। प्रयाग में मैं, देखिए पानी बहुत ठंडा है और यहाँ लोग नहा रहे इतने ठंडे पानी में, मैं तो आपको एडवाइस दे करूँगी, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, या फोटो व्यू है। पड़ता है होटल योगी बद्री रेस्टोरेंट, उसका मेन्यू है। हमने बद्रीनाथ से पहले 25 किलोमीटर पहले एक होटल योग बद्री रेस्टोरेंट है जो कि पंडुकेश्वर डिस्ट्रिक्ट चमोली में पड़ता है, वो वहाँ मैं खाने के लिए बैठी हूँ। दोपहर 3 बज रहा है, अभी देखती हूँ क्या इनके पास है। वैसे तो मैंने कल चीज मैंने सोच के रखी है खाने में कि मैं ऑर्डर करूँगी, देखती हूँ सब क्या मिलता है और यहाँ का टेस्ट बताऊँ। तो मैंने यहाँ इनके में मांडवे की रोटी, मांडवे का पराठा भी है, लेकिन मैंने कहा मन से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सरसों का साग, आप देखते हैं सरसों का साग जो पंजाब वाला सरसों का साग है कि ये हरियाणा वाला साग है, तो मैंने तो सरसों का साग मंगाया है और मशरूम का भी कोई आइटम नहीं है। तो मैंने राजमा, पहाड़ में जब सब जगह अलग अलग राजमा रहता है तो यहाँ का राजमा का टेस्ट देखते हैं। नान नहीं है, तवा रोटी है, तो वो मैंने ऑर्डर किया। रिजनेबल प्राइस है, माँ सरसों का साग 160 का है और तवा रोटी 20 रुपीज़ की है बटर रोटी, और वो आपका राजमा आपका 100 देगा, तो रिजनेबल प्राइस है। ये राजमा है और ये साग है और ये चटनी है, तो उसका मैं टेस्ट बताती हूँ आपको कैसा टेस्ट है इनका। तो राजमा की क्वांटिटी देखिए वेरी ठीक है, हालांकि सॉफ्ट थोड़ा सा काली मिर्च का स्वाद होती है या लाल मिर्च का टेस्ट हो, लेकिन अच्छा टेस्ट आ रहा है। घी से चुपड़ी रोटी इतना ज़्यादा बहुत ही मुझे लगा और पतली पतली रोटी खाने में मज़ा आता है। और ये साग है तो बोल रहे सरसों का साग है, थोड़ा सा तीखा है, अच्छा है और
वही चटनी है, थोड़ी सी स्पाइसी है, पता नहीं गाय की चटनी है, अच्छी तो मैं मिक्स फिश करती हूँ और फिनिश करके आगे बढ़ती हूँ। जब यह पसंद आता है प्लीज़ यहाँ विजिट जरूर कीजिए, रीजनेबल प्राइस है और अच्छा टेस्ट है। खाना खाया वहीं पे, ये मंदिर भी है फेमस, ये अभी इस वक्त है ना बंद है, ये पांडुकेश्वर मंदिर है और इस वक्त इसमें ताला भी बंद है तो इस वक्त मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकती हूँ, लॉक लगा हुआ है यहाँ पे। कितने दिनों की मतलब है आपकी जर्नी पूरी? हमारी है 7-8 दिन। 7-8 दिन की। कहाँ कहाँ घूमने गए थे? अभी फर्स्ट हम बद्रीनाथ गए हैं, फिर आगे से केदार जाना चाहिए, बिल्कुल सेट हो गए। कहाँ से आप आ रहे हो वैसे? गाजियाबाद से, बाइक से? दोनों लोग एक साथ? कितने लोग ग्रुप है? क्या नाम बताया आपने अपना? सौरभ ठाकुर। आपका? और आप ये जो ब्लॉगिंग भी बनाते हैं? एक साथ एक लड़का है, दोस्तों का। तो सिर्फ ऐसे ही आपको कैंपियन मतलब ट्रैक करने का शौक है? इंस्टा यूट्यूब में कुछ आपका ऐसा कुछ बना है? जो मेन है तो आप अपने कैमरा लेके साथ में चलते हो? GoPro वगैरह सारा? और ये जो आपका ये ट्रैकिंग वगैरह मतलब टेंट वेंट भी आप खुद ही उठकर करते हो? तो अभी आपने कितना हो गया दिन आपको ट्रैक किए हुए? तो कितने घंटे आप ड्राइव करते रहे? कल 10 बजे निकल गए थे हम रात में, सुबह पहुंच गए थे हम कितने 2-3 बजे तक ऋषिकेश पहुंच गए थे, फिर थोड़ा वहां पे ऐसी रुके वगैरह, फिर डायरेक्ट ही आगे थे। तो इतना लंबा जो रूटीन है आपको लोगों को थकान नहीं होती या आप है ना थकते नहीं? और रास्ता भी थोड़ा सा अनसेफ है क्योंकि रास्ता भी ऊपर खाबड़ आते हैं तो हर जगह श्रीखंड का हर चीज। तो अभी तक आपने कितने जगह के दर्शन कर लिए? कैलाश मानसरोवर की बात कर रहे हैं तो जो उत्तराखंड वाला है कि जो नेपाल से रास्ता है? नेपाल वाला नहीं, जो उत्तराखंड भी पड़ता है ना आगे बीच में, वो नेपाल वाला भी कर रहे हैं अभी नहीं, वो हो गया मतलब 2-4 महीने होगा ना, 5 महीने। तो नेपाल में तो ये बाइक अलाउ रहता है क्या? हाँ, बाइक से। अच्छा, बाइक से गए तो नेपाल काठमांडू से मतलब काठमांडू से होके गए कि पोखरा से होके गए? पहले ही पड़ता है। कितने किलोमीटर का ट्रैक है? तो पता नहीं था, हम जैसे में रुके थे, हम बीच में गए थे, जब तक बीच में आर्मी का कैंप आता है ना, उसके बाद रोड टूट गई थी, नीचे से भी ऊपर गई थी। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, बहुत अच्छी वीडियो है। तो वहाँ से क्या परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है? क्या क्या टेस्ट होते हैं क्या कुछ बताएंगे आप? मेडिकल टेस्ट होगा वो भी लेके गए थे कुछ है ना, पासपोर्ट वगैरह या कुछ ऐसा कुछ आईडी प्रूफ वगैरह रजिस्ट्रेशन वगैरह? वो नहीं है, वो तो उसके लिए ना सर, मैं अगर हम आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो मतलब चाइना से होंगे तब उसके लिए। तो कैलाश मानसरोवर एकदम पास में थे कि एकदम थोड़ा सा डिस्टेंस में है? बर्फ थी बहुत ज्यादा तो आगे जा नहीं पाए। अच्छा, जो इंडिया का था उससे पहले जो त्रिशूल लग रहा है उससे पहले थी बर्फ थी बहुत ज्यादा, माइनस में टेम्परेचर होगा। अच्छा, तो अभी आपने इतने सारी चीज की, आगे कुछ फ्यूचर में और क्या क्या करेंगे? तो पढ़ाई वगैरह ये तो हम ऐसे ओके, ये भी है साथ में इनके। थैंक यू। हनुमान चट्टी है, जब 32 साल जाते हैं तो ये हनुमान चट्टी का मंदिर पड़ता है, यहाँ से दर्शन करके कि अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कि मैंने बद्रीनाथ मंदिर के सामने थोड़ा सा आगे ये रूम लिया है, वैसे 2000 बोला, फिर 2000 से बार्गेनिंग करने पे 1200 रुपए का रूम मुझे पड़ा है, सिंगल गीजर है और ये वॉशरूम है और ये कॉमन बालकनी है और ये इधर आप देखेंगे ये सरस्वती नदी बह रही है, इसके जस्ट नीचे मंदिर है। ये भी था रूम लेकिन इस वक्त काम चल रहा था, नहीं हुआ। और ये विंडो है मेरे रूम की और ये दिया मैंने बहुत देखे, GMVM का सिंगल सेमी डिलक्स 4230 था और फुल डिलक्स 5230 था। जो लोग अफवाह फैलाते हैं कि रूम नहीं है, रूम नहीं है, रूम बहुत है, 1000 के भी रूम थे जो बगैर गीजर के थे, बहुत रूम थे यहाँ पे और खाली भी थे, जबकि सब पितर चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है, उसके बाद भी खाली थे। तो आप ज़्यादा किसी के बहकावे में मत आइए, खुद अपनी तरफ से देख के मार्जिन करके थोड़ा बार्गेनिंग करके लीजिए रूम। तो अभी बज रहा है 6, थोड़ा रेस्ट करके क्योंकि सुबह से चली थी मैम, फिर मैं मंदिर के दर्शन करूँगी और 3 दिन मुझे यहाँ रुकना है, फिर कल दर्शन करके माड़ा गांव वगैरह विजिट करूंगी। बने रही मेरी वीडियो में, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ये है बद्री विशाल का मंदिर, चार धाम
भगवान बद्रीनाथ का मंदिर। Thank you.